सुबह से लगान और उसके रियूनियन की बातें हो रही हैं, लेकिन 15 जून 2001 को टिकट खिड़की पर एक नहीं दो सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज हुई थी। सुबह से माहौल लगान में हुआ पड़ा। उस दिन रिलीज हुई दूसरी फिल्म गदर, एक प्रेम कथा की चर्चा कम हो रही है क्योंकि गदर ने बॉक्स ऑफिस पर लगान से कई ज्यादा पैसे कमाए थे। पैसे खर्च हो जाते हैं मगर लेगेसी रह जाती है, ऐसा ही कुछ गदर और लगान के साथ भी हुआ है। खैर, कहा जाता है कि गदर के लिए डायरेक्टर अनिल शर्मा की पहली पसंद गोविंदा और काजोल थे। ये बात इतनी बार कही गई कि अब तो फैक्ट जैसी लगने लगी है, मगर अब खुद अनिल शर्मा ने इसका फैक्ट चेक कर दिया है। अत्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। गदर के 20 साल पूरे होने के मौके पर बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म मेकर अनिल शर्मा ने इन सभी अफवाहों पर बात की। अनिल ने बताया उन्होंने गोविंदा को कभी भी गदर के लिए साइन नहीं किया था। अनिल और गोविंदा महाराजा नाम की फिल्म पर साथ काम कर रहे थे। अब इसी फिल्म के सेट पर अनिल ने गोविंदा को गदर की स्क्रिप्ट सुनाई थी, मगर गोविंदा ये रोल करने के लिए एक्साइटेड होने के बजाय डर गए। उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े स्केल की फिल्म कौन बनाएगा, जिस पर फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग के लिए इंडिया में पाकिस्तान का सेट बनाना था, जो कि उस समय के लिहाज से, उस वक्त के लिहाज से बड़ा मुश्किल काम था। अनिल बताते हैं कि गदर के लिए सनी देओल ही उनकी पहली चॉइस थे। जहां तक गदर में काजोल की कास्टिंग का सवाल है, तो आप ये जान लीजिए कि इस फिल्म के लिए 400 लड़कियों ने अप्लाई किया था। बकौल अनिल, उन्होंने अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए कई टॉप हीरोइनों से संपर्क किया, मगर किसी को कहानी ठीक नहीं लगी तो किसी को कहानी समझ नहीं आई। अब जब चर्चित हीरोइनों के साथ काम नहीं बना, तो अनिल ने अपनी फिल्म में एक न्यू कमर को कास्ट करने का प्लान बनाया। उनकी फिल्म में काम पाने के लिए कुल 400 लड़कियों ने अप्लाई किया था। उसी में से 40 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट करके ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया। उसी में से एक लड़की थी अमीषा पटेल, जिन्हें गदर में लीड रोल मिला। हालांकि गदर से पहले कहो ना प्यार है रिलीज हो चुकी थी, जिसने ऋतिक रोशन और उन्हीं के साथ साथ अमीषा पटेल दोनों को ही रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। पहली फिल्म की सफलता से बौखलाने की बजाय अमीषा ने अपना धैर्य और संयम बनाए रखा। उन्होंने गदर में काम किया और अपने स्टारडम को कई बिलांग ऊपर लेकर गई। हाँ, ये बात अलग है कि अमीषा अपनी सफल शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाई। गदर के बारे में कहा जाता है कि इंडिया में लंबे समय के बाद ऐसी कोई फिल्म रिलीज हुई थी जिसे करोड़ों लोगों ने थिएटर्स में देखा। कमाई के मामले में इस फिल्म ने सलमान खान की हम आपके हैं कौन तक का रिकॉर्ड तोड़ डाला था। इस फिल्म की लेगेसी और फैंस दोनों बरकरार रहेंगे, मुझे लगता है बढ़ते ही जाएंगे। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं सोनाली, देखते रहें द ललन टॉप। शुक्रिया।